हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आज मैं आपको बताने वाला हूं आरओ की कैसे सर्विस किया जाता है। आप घर पे भी कैसे सर्विस कर सकते हैं या फिर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आरओ बनाना, तो आप कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ये हमारा हैवी बाउल। आपने देखा होगा ये आरओ के बाहर फिल्टर लगा रहता है, ये हैवी बाउल है या फिर इसको प्री फिल्टर बोल दीजिए। ये हैवी बाउल में सबसे पहले पानी जाता है, उसके बाद इसमें से पानी जब निकलता है तो आपका लो प्रेशर स्विच में पानी जाता है। लो प्रेशर स्विच से होते हुए आपका पानी जाता है सेडिमेंट फिल्टर में, सेडिमेंट से फिल्टर होते हुए पानी आपका जाता है कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर से पानी निकलता है तो आपका एसयूवी में जाता है, ये एसयूवी लगा है, और एसयूवी से जब पानी निकलता है तो आपका पंप में जाता है, और पंप से पानी निकलता है तो आपका मेम्ब्रेन में जाता है, और मेम्ब्रेन से जब प्योर वाटर निकलता है तो आपका यूएफ फिल्टर में जाता है, और यूएफ फिल्टर से पानी निकलता है तो आपका यूवी में जाता है, और यूवी से आपका प्योर वाटर आपके टैंक तक चला जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ये आपको मैंने फिल्ट्रेशन बता दिया, पानी कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है, और आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे कैसे इसका कनेक्शन होता है। आपको मैं इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ, इसका कैसे कनेक्शन करना है। सबसे पहले मैं आपका पानी का कनेक्शन दिखा देता हूँ, पानी का कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ से निकाल लिया मैंने, सब निकल गया है। सबसे पहले यहाँ से पानी स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसको बाहर लगा देंगे, इसमें से तो आप समझ ही गए होंगे इसमें लगाना है। और इसको खोल के दिखा देते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये स्पन फिल्टर है, इसके अंदर डलता है, और इसमें रबर लगा हुआ है, रबर को गायब नहीं करना नहीं तो पानी लीकेज करता रहेगा। इसको सिंपली इसमें बरोबर डाल करके और इसको टाइट कर देते हैं। इसको टाइट कर दिया, अब इसमें से पानी जब पहले इसमें देना है, और इसमें से जब पानी निकलेगा तो यहां से होते हुए आपको लो प्रेशर स्विच में यहाँ पे जाएगा, और लो प्रेशर स्विच अगर लगा है तो लो प्रेशर स्विच में जाएगा। अगर कुछ मशीनों में लो प्रेशर स्विच नहीं लगा होता है तो डायरेक्ट सेडिमेंट फिल्टर में जाता है। सेडिमेंट फिल्टर से पानी जब निकलता है, ये सेडिमेंट फिल्टर में गया और सेडिमेंट फिल्टर से पानी निकलेगा तो आपका ये जाएगा कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर में पानी जा रहा है कार्बन फिल्टर से, और ये एसयूवी में जा रहा है। एसयूवी और मोटर का कनेक्शन जो होता है, ये वायरिंग कनेक्शन, वो एक ही होता है। मतलब जब मोटर चलेगा तो एसयूवी चलेगा, जब एसयूवी चलेगा तो मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो एसयूवी चलेगा, एसयूवी चलेगा तो मोटर चलेगा। मतलब चलेंगे तो दोनों साथ में, बंद होंगे तो दोनों साथ में। और इससे पहले ये ऑटो कट का कनेक्शन कर दिया जाता है। अगर आपको फिल्टर चेंज करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, ये यहीं पे लगा देता हूं मैं फिल्टर। अगर आपको कोई भी फिल्टर चेंज करना है तो सिंपली कोई भी फिल्टर एक ले लेना है। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये फिल्टर है, ये एक फिल्टर है, अगर मुझे चेंज करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे इसका सबसे पहले फिल्टर, ये कोई भी नया फिल्टर आपको लेना है तो उसको देख लेना, यहाँ पे इन किधर है आउट किधर है, ये निशान बना हुआ है, मतलब ऐसे तीर का निशान बना हुआ है, इधर से पानी जाएगा इधर निकलेगा, तो ये बात ध्यान रखना है। ये इन है, यहाँ से पानी जाएगा इधर निकलेगा, इन है। तो जब यहाँ से पाइप आपको निकालना है कोई भी पाइप, तो यहाँ से ये मान ले सपोज दैट मेरे को निकालना है ये पानी, ये वाले फिल्टर चेंज करना है, तो आपको ये फिल्टर निकाला। अब यहाँ पे देखना है ये इन है कि आउट है, मतलब तीर का निशान ऐसे बना है तो मतलब ये इधर का इन है। तो सबसे पहले ये मैंने एक फिल्टर यहाँ से एक निकाला एल्बो, तो दूसरा एल्बो यहीं से लगा देंगे। अब एल्बो कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए एल्बो में ये पाइप, इसमें अगर लगा दिया मैंने सपोज दैट ऐसे पुश कर दिया तो ये अब नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। अगर ये पाइप निकालना है तो ये आपको रिंग टाइप का दिख रहा होगा, इसको ऐसे थोड़ा दबाना है इंगली से, ऐसे दबा देंगे तो ये इसको खींचेंगे सिंपली निकल आएगा। फिर से पुश करने के लिए कुछ नहीं करना, पुश कर देना है, ये अच्छे से पुश करना, फिर नहीं निकलेगा। फिर इसको निकालना है तो इसको ऐसे निकाल देना सिंपली। अब मान लीजिए ये हमने मैं इन वाला निकाला था, तो ये इन वाले में लगा देना है, ये इधर का इन है तो इसमें देख लेना इन किधर है, ये मतलब ये इन है, इधर तीर का निशान बना हुआ ऐसे, तो ये इन है तो इसमें सिंपली इसको एल्बो को लगा देना है ऐसे। और जो भी ये पाइप निकाला हो, जो भी पाइप निकाला हो आप उसी में सिंपली वैसे ही लगा देना। मैं हालांकि कनेक्शन इधर उधर पूरा कर दिया है तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप मेन चीज याद रखिए, जो भी एक पाइप निकालिए, आप उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है
तो एक साथ सारी चीजें मत निकालिएगा सारे पाइप, नहीं तो फिर कनेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। हालांकि वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं तो आप समझ जाएंगे पानी कहाँ से कहाँ जाना है, अगर आप पूरे पाइप निकल जाते हैं तो। लेकिन आपको यही करना है, अगर फिल्टर चेंज करना है आपको खुद, तो जो पाइप निकालना है कि वही पाइप वहीं पे दूसरा वाला फिल्टर फिर से लगा देना है, वैसे ही जैसे लगा था। सिंपली दूसरा वाला कनेक्शन निकालना है, दूसरा वाला कनेक्शन लगा देना है। ऐसे ही सारे फिल्टर आप चेंज कर सकते हैं। और मेम्ब्रेन चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, मेम्ब्रेन आपके आरओ में अलग अलग टाइप की लगी हो सकती हैं, लेकिन मेम्ब्रेन में कनेक्शन सब कुछ सेम ही होता, कोई कनेक्शन अलग नहीं होता है। मेम्ब्रेन में हमेशा तीन छेद होंगे, एक ये इनका होगा, दो आउट के होंगे। मेम्ब्रेन कोई भी लगा हो, चाहे एमएफ हो, चाहे एनएफ हो, चाहे आपका आरओ मेम्ब्रेन हो, ये हालांकि आरओ मेम्ब्रेन है। तो यहां से इन देंगे और यहां से आउट होगा। आउट होने के लिए आपको दो छेद मिल जाते हैं, ये एक इन है एक आउट है। लेकिन आप इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इन है कौन सा आउट है? तो आपको दिख रहा होगा कि एक बीच में है थोड़ा हल्का, और एक थोड़ा हल्का साइड में। जो साइड वाला है मतलब वो साइड का साइड में निकल जाएगा, मतलब वो रिजेक्ट वाटर के लिए है। जो प्योर वाटर है वो बीच में होगा, वो प्योर वाटर में जाएगा। प्योर वाटर आपको यूएफ फिल्टर में देना है। यूएफ फिल्टर किस लिए लगा होता है? क्योंकि यहां से प्योर वाटर गया, तो आपका टीडीएस रजिस्टर अगर आपके आरओ में लगा है तो आपको यूएफ फिल्टर की जरूरत है। अगर आपके आरओ में टीडीएस रजिस्टर नहीं लगा है तो आपको यूएफ फिल्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब टीडीएस रजिस्टर में यूएफ फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीज आपको मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहां से जो पानी थोड़ा बाईपास करके इधर से निकाला जाता है, वो उस आरओ मेम्ब्रेन से नहीं आता है, उसमें से थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए आपका यूएफ लगाया जाता है। यूएफ उस चीज को रोक लेता है, उसके बाद यूवी लगा होता है, वो तो बैक्टीरिया वगैरह खत्म ही कर देता है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको सिंपली 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए। हर 3 महीने में, बाकी आपके यहाँ जितना दिन में फिल्टर गंदा होता है उतने दिन में चेंज कर देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है मेरा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी आरओ के बारे में जानना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।